दोस्तों मैं अमित कौशल जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है, कुछ हम चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं, ये वीडियो है डेडिकेटेड टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। तो स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आज के ट्रेंड की हम बात करें इंटरनेशनल एजुकेशन में इंडिया से, तो कहीं ना कहीं ये देखने में आया है कि कुछ टाइम से, तकरीबन 6 महीने से जब से ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर खोले हैं, तब से ऑस्ट्रेलिया नंबर वन डिमांड में चल रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टडी इन इंटरनेशनल स्टडी में। ऑल दो कैनेडा हमेशा से ही नंबर वन पोजीशन में रहा है, बट कहीं ना कहीं ड्यू टू डिले इन डिसीजंस प्रोसेसिंग में जो डिले हुई है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स का, वो कैनेडा से टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया टिल्ट हुआ है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया ने जो इंसेंटिव्स दिए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, उसकी वजह से भी जो इंटरेस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में। अब इंसेंटिव्स क्या हैं? स्टूडेंट जाके वहाँ 20 आवर्स पर वीक की जगह 40 आवर्स पर वीक काम कर सकता है ड्यूरिंग स्टडी। इनरोलमेंट से पहले अगर पहुँच जाता है तो पहले भी काम कर सकता है, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो किसी टाइम पे 2 साल का हुआ करता था पढ़ाई के बाद, अब वो 5 साल तक हो गया है। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया ने की हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं एक हॉट स्टडी डेस्टिनेशन बनता जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली मैं इंडिया की अगर बात करूं। तो ऑस्ट्रेलिया में फिर भी कोई 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जो आज के डेट में आपका डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा एक पार्ट प्ले करती हैं। सबसे पहले, ऑस्ट्रेलिया में अगर स्टूडेंट जाना चाहता है, अगर जाता है, तो वो पहले इंस्टीट्यूशन की सिलेक्शन करता है। इंस्टीट्यूशन की सिलेक्शन किस किस बेस पे करता है? पहला, सबसे पहले वो सोचता है कि लेवल वन का कॉलेज या लेवल वन की यूनिवर्सिटी हो। अगर यूनिवर्सिटी है तो लेवल वन यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो। और 80-90% केसेस में अभी देखने में आया है रिसेंटली, जो स्टूडेंट्स वॉक इन होते हैं या इंक्वायरी भी आती है, कि स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर यूनिवर्सिटीज़ इन द रीजनल एरिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको एक्सटेंडेड वर्क परमिट जो ईयर्स हैं वो मिलते हैं। प्लस अगर आप लॉन्ग स्टे के बारे में सोच रहे हो तो आपको रीजनल एरिया के बेनिफिट उसमें भी मिलते हैं। उसके बाद क्या है, अगर आप यूनिवर्सिटी चुन रहे हो तो आप ये देखते हो कि यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड क्लास रैंकिंग क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इतने पैसे लगा के बाहर पढ़ने जा रहे हो तो आपको ये भी देखना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो उसकी दुनिया में वर्ल्ड वाइड क्या रैंकिंग है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, जिसके बेसिस पे हम अपनी कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशन को या यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करते हैं, वो है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपकी ट्यूशन फी कितनी है। तो दोस्तों, ये वो 4-5 फैक्टर्स थे जिसके बेसिस पे आज हम मैं आपके लिए एक कंपैरेटिव एनालिसिस लेके आया हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 3 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, 4 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो कि रीजनल एरिया में पाई जाती हैं, जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग अराउंड टॉप 200 के अंदर आती है, जो कि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेवल इसमें से यूनिवर्सिटी ऑफ वॉलंगोंग की जो मैं बात कर रहा हूँ वो लेवल 1 नहीं है, वो लेवल 2 है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ का हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपने किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं या आपको लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि जो सारे ये 4 पॉइंट्स को टिक करेगी यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर आपको एडमिशन ले लेनी चाहिए। सबसे पहले है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल न्यूकासल सिटी में है। इट हैज़ 4 कैंपसेस, एक कैलघन में है मेन कैंपस, न्यूकासल सिटी में है, सेंट्रल कोस्ट में कैंपस है, और सिडनी सीबीडी में है। सिडनी सीबीडी को छोड़ के बाकी सारे जो इनके कैंपसेस हैं वो रीजनल एरिया में पड़ते हैं। उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉलंगोंग, इनका वॉलंगोंग में कैंपस है। तो सिडनी से एक तरफ आप जाओगे वॉलंगोंग चले जाओगे, उसके उल्ट सिडनी से उसके ऑपोजिट साइड जाओगे तो न्यूकासल आ जाएगा। तो दोनों जो सिटीज़ हैं वो 1.5 घंटे की दूरी पे सिडनी सिटी से हैं। उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में आती है। आपको पता है साउथ ऑस्ट्रेलिया सारा ही
जो रीजन है वो रीजनल एरिया में गिना जाता है, और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। चौथी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो कि पर्थ में है, जो ये भी रीजनल एरिया में आता है, जैसे आपको पता है पर्थ भी रीजनल एरिया में आता है, तो ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड रैंकिंग में शुमार करती है। ये जो चारों यूनिवर्सिटीज हैं सरकारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें से तीन यूनिवर्सिटीज लेवल वन की यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल, एडिलेड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वोलंगोंग यूनिवर्सिटी ऑल दो हर पैरामीटर में खरी उतरती है, बट कहीं ना कहीं जो रिस्क रेटिंग है या रैंकिंग है, लेवल जो है, असेसमेंट लेवल जो है वो लेवल टू है। अब मैंने इसमें से छः ऐसे प्रोग्राम चुने हैं जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स जिनको ऑप्ट करते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि इन कोर्सेज में, ये चारों यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप अप्लाई करते हो, तो कितनी कितनी आपको इस टाइम पे क्या क्या स्कॉलरशिप मिल रही है, नेट इफेक्टिव ट्यूशन फीस आपको कितनी पड़ती है। तो ये यूनिवर्सिटी जो हमारे जो बॉक्सेस हैं टिक करती हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक यूनिवर्सिटी को छोड़ के बाकी सारी लेवल वन यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ रीजनल एरिया में पढ़ती हैं, और ट्यूशन फीस को हम अब डिसाइड करेंगे कि ट्यूशन फीस नेट इफेक्टिव किस किस यूनिवर्सिटी की कितनी पड़ती है। सबसे मैंने जो पहले कोर्स लिया वो है मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग। मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, स्पेशली ये कोर्स ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाया जाता है, और अगर हम अभी की SOL लिस्ट देखें तो उसमें भी ये प्रोग्राम शुमार करता है, उसमें भी आता है। तो इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल, आपको ये 2 साल की डिग्री है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल आपको हर साल यानी कि पहले साल और दूसरे साल $15,000 की स्कॉलरशिप दे रही है। $15,000 स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में, और आपकी नेट इफेक्टिव ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप हटाने के बाद एक साल की सिर्फ $20,720 पड़ती है, यानी कि आपको एक साल के $20,720 ही पे करने हैं एज अ ट्यूशन फीस। और मैं आपको बिल्कुल दावे से बोल सकता हूं कि ये ट्यूशन फीस शायद कुछ कॉलेजेस से भी कम है जो कि कहीं भी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल के बराबर ना रैंकिंग में, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में, ना फैसिलिटीज में, किसी भी तरीके से कंपेयर नहीं करते। दूसरी यूनिवर्सिटी जो है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ वोलंगोंग, उसमें परसेंटेज ऑफ स्कॉलरशिप में तो लिखा हुआ है 30%, और नेट जो स्कॉलरशिप है वो है $10,595 साल की, और इसमें नेट ट्यूशन फीस जो पड़ती है वो पड़ती है $24,700 सेम प्रोग्राम के लिए। तीसरी यूनिवर्सिटी पे आ जाते हैं, तीसरी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, इसमें ट्यूशन फीस के 15% यानी कि $7,125 की स्कॉलरशिप है, और फीस आफ्टर स्कॉलरशिप इस प्रोग्राम की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में, क्योंकि बहुत हाई रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी है, बहुत ही प्रीमियम यूनिवर्सिटी है, तो $40,000 आफ्टर डिडक्टिंग दी स्कॉलरशिप इसकी ट्यूशन फीस है। चौथी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसमें स्कॉलरशिप है इस प्रोग्राम में $12,000, और नेट फी आफ्टर स्कॉलरशिप बनती है 33,500। तो आप ये देखिए कि अगर हम इन चारों यूनिवर्सिटीज का कंपैरिजन करें तो सबसे कम जो ट्यूशन फीस बनती है किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज किए बिना, क्वालिटी में, रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, लेवल वन यूनिवर्सिटी रीजनल एरिया में है, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल की बनती है जो कि $20,720 पर एनम है। दूसरा कोर्स मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत ही पॉपुलर कोर्स है जो कि स्टूडेंट्स इंडिया से करने जाते हैं। इस कोर्स में भी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल की जो स्कॉलरशिप पर एनम, यानी कि 2 साल का कोर्स है, तो हर साल $15,000 की स्कॉलरशिप है इस कोर्स में भी, जो तो नेट ट्यूशन फीस आफ्टर स्कॉलरशिप यहाँ पड़ेगी $26,280 पर एनम। इसी कोर्स में MIT करने अगर वोलंगोंग यूनिवर्सिटी में आप जाओगे तो वहाँ पे 30% स्कॉलरशिप है, दैट मीन्स $950 आपको स्कॉलरशिप के माइनस होंगे, और नेट ट्यूशन फीस इस कोर्स की पड़ेगी $23,200। थर्ड यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, यहाँ पे भी इस कोर्स की स्कॉलरशिप 15% है, $6,825 माइनस होंगे,
नेट इफेक्टिव ट्यूशन फीस जो पड़ेगी $38,700। लास्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप $12,000, उसको माइनस करके जो नेट इफेक्टिव फीस आएगी $30,100। इसी तरह अब इसमें आपने देखा यूनिवर्सिटी ऑफ वॉलंगोंग जो है उसकी सबसे कम ट्यूशन फीस है, बट एक पॉइंट रह जाता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ वॉलंगोंग लेवल 2 है, और अगर हम दूसरी सबसे कम ट्यूशन फीस वाली इसमें देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल है जो कि लेवल 1 है। तीसरा कोर्स हमने लिया है बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिस अगेन अ वेरी पॉपुलर कोर्स। इसमें भी जो स्कॉलरशिप है $15,000 पर एनम है। नेट इफेक्टिव ट्यूशन फीस इन यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल इज $21,470 पर एनम। ये 3 साल का कोर्स है तो आप ये मान के चलिए कि तीनों सालों में 15,000 × 3, $45,000 आपको इफेक्टिव स्कॉलरशिप मिलेगी। सेकंड यूनिवर्सिटी ऑफ वॉलंगोंग में ये कोर्स आपको मिलेगा, इसमें स्कॉलरशिप 30% के हिसाब से $10,150 है एंड नेट इफेक्टिव ट्यूशन फीस वुड बी $23,700। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 15% स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप वैल्यू इज $6,675, नेट इफेक्टिव ट्यूशन फी वुड बी $37,800। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया दिस प्रोग्राम इज नॉट देयर ऑफर्ड देयर। देन देयर इज अ प्रोग्राम ऑफ बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल $15,000 स्कॉलरशिप, नेट इफेक्टिव ट्यूशन फीस $22,305, $22,305 आपको सिर्फ देने हैं एक हर साल। वॉलंगोंग में ये प्रोग्राम है, इसमें आपने $23,700 देने हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में ये प्रोग्राम है, 15,000 की स्कॉलरशिप काटने के बाद जो 6,675 बनती है $37,800 आपको नेट ट्यूशन फी पे करनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप $12,000 की है, आपको जो नेट ट्यूशन फीस है वो $29,500 पे करनी है। तो उसी तरह से मास्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी $15,000 पर एनम स्कॉलरशिप है, नेट इफेक्टिव ट्यूशन फी इन यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल इज $26,225, $26,225। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉलंगोंग में ये प्रोग्राम ऑफर नहीं किया जा रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में मास्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी ऑफर किया जा रहा है, जहाँ पे स्कॉलरशिप है $6,900 की और नेट इफेक्टिव ट्यूशन फीस है $39,000। सेम यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये प्रोग्राम नहीं है। एमबीए ग्लोबल या एमबीए का प्रोग्राम की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में $10,000 की स्कॉलरशिप है पर एनम, नेट इफेक्टिव ट्यूशन फीस इज $23,805। आप देखिए सिर्फ $23,805 साल की ट्यूशन फी है एमबीए ग्लोबल प्रोग्राम में। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पे एमबीए पढ़ाया जाता है, वहां पे भी इतनी ट्यूशन फीस है, बट दे डू नॉट, आई एम टेलिंग यू अगेन, दे डू नॉट, कहीं ना कहीं वो कहीं भी न्यू यूनिवर्सिटी न्यूकासल के सामने कंपैरिजन में नहीं खड़े होते। और इसकी एडवांटेज एक और है एमबीए ग्लोबल की, आपको एमबीए ग्लोबल अगर आप यूनिवर्सिटी न्यूकासल से करते हैं तो यू हैव एन ऑप्शन टू अटेन अनदर डिग्री, डुअल डिग्री फ्रॉम वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ न्यू जर्सी यूएसए और अ बिजनेस स्कूल फ्रॉम मिलान इटली। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉलंगोंग में भी एमबीए प्रोग्राम है, 30,000 की स्कॉलरशिप है $10,595 की, नेट ट्यूशन फीस वहां पड़ेगी $24,700। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में अगर एमबीए करने जा रहे हो तो 15% की स्कॉलरशिप है विच इज $7,124, नेट इफेक्टिव ट्यूशन फी वुड बी $40,000। देन यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया द स्कॉलरशिप वहां पे भी फिक्स है $12,000 की और नेट इफेक्टिव ट्यूशन फी वुड बी $39,700। तो ये वो टॉप के 6 प्रोग्राम्स थे जिनके बारे में अभी अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी, आई थॉट दैट आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट। अब आप पूछोगे कि क्यों मैं बार बार यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल को प्रमोट करता हूं। लेट मी गिव यू सम पैरामीटर्स। हाई क्वालिटी एजुकेशन, दिस यूनिवर्सिटी रैंक्स अमंग टॉप 200 यूनिवर्सिटी। अभी लेटेस्ट रैंकिंग आई है 194, पहले 197 था, 194 आई है। दिस यूनिवर्सिटी रैंक्स अमंग टॉप 100 ग्लोबली फॉर एकेडेमिक स्टूडेंट रेशियो, वर्ल्ड क्लास एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फैसिलिटीज। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वाकई वर्ल्ड क्लास है। मैं ये नहीं कह रहा बाकियों का नहीं है, बाकियों का भी है, बट इट रैंक्स यू नो अमंग द टॉप यूनिवर्सिटीज विद इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ यू नो इंडस्ट्री लेवल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनली एंड नेशनली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशंस हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर इंटर्नशिप इंडस्ट्री प्लेसमेंट इन प्रोग्राम्स है, अफोर्डेबल ट्यूशन फी पे
इस साल यानी कि आने वाले एक या दो इंटेक्स में $10,000 से लेके $15,000 तक की स्कॉलरशिप है, जो कि बहुत मायने रखती है। प्रोग्राम्स 2 साल या 3 साल या इवन इंजीनियरिंग में लोग 4 साल के प्रोग्राम के लिए जाते हैं, तो आप ये देख सकते हैं $50,000 से $60,000 तक की स्कॉलरशिप आपको ये यूनिवर्सिटी दे रही है, जो कि फिनोमिनल है। अकोमोडेशन यहाँ पे 60% चीपर है एज कम्पेयर टू सिडनी, क्योंकि रीजनल एरिया में ऑब्वियसली यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है और ऑब्वियस कॉस्ट ऑफ एजुकेशन भी कम है। अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स बहुत आराम से है। हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें रिटर्न जो है वो हायर है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज। एक्सेस टू 3 to 4 years पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स, 90% ग्रेजुएट्स गेट एम्प्लॉयमेंट इन 4 months ऑफ ग्रेजुएशन। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 66,500 इज द मीडियन स्टार्टिंग सैलरी फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 96,500 इज द मीडियन स्टार्टिंग सैलरी फॉर पीजी ग्रेजुएट। यानी कि अगर वहां से आपने बैचलर्स की है तो जो मीडियन यानी कि एवरेज सैलरी स्टूडेंट्स को मिलती है वो है 66,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर एनम। अगर आपने मास्टर्स की है तो 96,500 तक की आपको सैलरी वहां पे एवरेज मिलती है। तो ये दोस्तों आपके लिए एक पॉइंट टू पॉन्डर है, सोचने वाली बात है कि आपको किन बेसिस पे अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है व्हाइल स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी इंसाइट देगी व्हाइल यू आर मेकिंग योर डिसीजन टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर कोई भी क्वेरी इससे रिलेटेड हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू सो मच।